दिस इज़ मी हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमज़ा हनी वर्ल्ड। तो गाइज़ आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक कहना चाहता हूँ। तमाम तर मुसलमानों को मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान की खुशियाँ आपको बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और हम सबको हिदायत अता फरमाए। तो आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्किन की प्रॉब्लम्स में, आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी ऑयली स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सेस ऑयल का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा आपके ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ये तमाम तर प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करने पड़ रहे हैं स्टिल और आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर करके उकता चुके हैं और कुछ ऐसी चीज़ कोई ऐसी चीज़ जो या कोई ऐसी प्रोडक्ट तलाश कर रहे हैं जिसे आपको इजीली आप उसको पकड़ें और डेली बेसिस पे यूज़ करके आप इन तमाम सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकें, तो आज मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो एक ऐसा ब्रांड है जो ख़ुद मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और ये एक फ़ेस वॉश है जो आप डेली यूज़ करते हैं सुबह उठने के बाद, उसके बाद आप ऑफिस से आके यूज़ कर सकते हैं और नाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके साथ आपको किसी किस्म की होम रेमेडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस फेस वॉश का नाम है मेन एक्नोफाइट एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश। ये फेस वॉश मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने के बाद मेरे जो ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके अलावा इससे आपको एलिमिनेट्स द बैक्टीरिया, यानी कि आपकी स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जिससे आपके पिंपल्स का आगाज़ होता है, यानी आपकी जो पिंपल्स का आगाज़ होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। उसके अलावा रिड्यूस एक्सेस ऑयल यानी कि जो लोग ऑयली स्किन रखते हैं, जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके पिंपल्स फेस पर होंगे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश है आपके लिए। उसके अलावा ये आपकी जो स्किन है उसको क्लीन करेगा डीपली, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर देगा और टाइटन्स द पोर्स, यानी कि अगर आपकी स्किन के पोर्स ओपन है तो उसको क्लियर करेगा, बंद करेगा। और इसके अलावा लाइटन मार्क्स, अगर आपकी स्किन में कहीं कोई ऐसे दाग धब्बे हैं तो आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो उससे आपके जो मार्क्स हैं यानी कि दाग धब्बे हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा ड्राई पिंपल्स, जो पिंपल का प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, इसको मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है। इस फेस वॉश को मैं लास्ट 15 डेज से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो पिंपल का जो रिज़ल्ट है ना इसका आउट क्लास है। जब आप फेस वॉश करते हैं और अगर आपको किसी जगह पे पिंपल है तो एक दिन आपने यूज़ किया 3 टाइम इसको सुबह दोपहर और शाम, तो उसके अगले दिन वो पिंपल जो होगा वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका होगा, ठीक है। उसके अगले दिन नेक्स्ट यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर ये पिंपल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और उसका किसी किस्म का कोई निशान भी नहीं उसका ये छोड़ता, ठीक है। तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है इस फेस वॉश की। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो आज मैंने आपको बताई हैं। तो भाई अगर आपको ये तमाम तर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो जाएँ अभी ये फेस वॉश आप परचेज़ कर सकते हैं। rivajuk.com ये फेस वॉश इस कंपनी का है और इस फेस वॉश की जो प्राइस है जो मैंने ऑलमोस्ट लिया है वो 450 के करीब है ये फेस वॉश, ठीक है। अगर आप ये पर्सनली खुद अकेले यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक आपका ये निकल जाएगा। तो मिड रेंज फेस वॉश है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कुछ ज़्यादा लो रेंज भी नहीं है। तो अगर आपको ये फेस वॉश ख़रीदना है तो काइंडली सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इसके देखे हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये फेस वॉश मुझे सूट कर गया, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको सूट कर जाए तो सबसे मेन चीज़ वो होती है, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको भी सूट करेगी, लेकिन हमें सबसे पहले कोई ना कोई चीज़ ट्राई करना पड़ेगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है या ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये वो चीज़ें आपको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मैंने जो यूज़ किया मैं उसका आप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये फेस वॉश मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, ठीक है, और अगर ऑयली स्किन की वजह से मेरे फेस पर पिम्पल्स भी एक आधा कभी कभार महीने में निकल आता है, तो अगर मैं क्योंकि लास्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा स्किन की केयर नहीं करता था तो उसकी वजह से 1-2 पिंपल्स निकले, मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो फिर मैं जब मार्केट गया तो मुझे ये फ़ेस वॉश मिला,
तो फेस वॉश मैंने जब इसके इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने अल्लाह अल्लाह करके फेस वॉश ले तो लिया। लेकिन जब मैं, क्योंकि रिजल्ट्स बेसिकली जब आप यूज़ करते हैं तो तब आपको पता चलते हैं, किसी की वीडियो देखने के बाद आपको रिजल्ट्स मालूम नहीं होते। तो जब मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया, मैं डेली इसको 3 टाइम यूज़ करता हूँ, 3 टाइम मैं इसको लाजमी यूज़ करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि स्किन आप मेरी क्लियर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उसमें कोई पिंपल्स नहीं है, कोई इसकी स्किन का होता है, कुछ फेस वॉश ऐसे होते हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, ये बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे ऑयल निकाल दिया है आपकी स्किन से, लेकिन वो इस कदर ज़्यादा निकाल नहीं दिया कि आपकी स्किन ड्राई हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल समर के लिए ये फेस वॉश मेरा तो फेवरेट है। अगर आपको ये फेस वॉश ख़रीदना है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी मार्केट से परचेज़ कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान मुबारक अगेन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।